लेकिन आते हैं बीट वाले माल फेंक देते हैं, हटा देते हैं, कहते कोर्ट का ऑर्डर है, बहुत परेशान कर रखा है। हम वहीं से हमारी रोटी रोजी चलता है, लेकिन हमारे को बहुत परेशान कर रखा है। और दो चार दुकानें लगती है उससे भी ड्यूटी लेते हैं, और उसके बाद मार्केट लगती है उसके बाद में ड्यूटी लेते हैं, फिर भी परेशानी करते हैं, फिर कहते हैं हमारी नौकरी की बात है, नौकरी हमारी बचाओ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देना है, तो मैंने कहा साहब हमारी दुकान लगी नहीं रही है, हम लोन ले लेंगे। कई लोगों को जो लोन मिला है वो उनके रिश्तेदार कहीं बाहर से पैसे भेजते हैं राशन पानी के लिए, वो लोन वाले काट लेते हैं बैंक वाले। तो अगर हम लोन तो ले लेंगे लेकिन चुकाएंगे कैसे, वो सवाल करते हैं, तो कहते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा काम है लोन देना, तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। रोजगार है तो हम अपना छोटा सा एक 2x3 का एक छोटा सामान रोज रख के बेचते हैं और ले जाते हैं, तब भी उनको 200 रुपया देना पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो माल उठा के फेंक देंगे, कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे। पुलिस की इतनी बदमाशी और गुंडागर्दी है, ये हमारे देश के रक्षक है ना कि। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेड़ी पटरी वाले जो हैं अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। तो जी, आप लोग यहाँ किस लिए आए, क्यों विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? हमें तो कोई दुकान नहीं, लोग हमारे पास वो है सर्टिफिकेट, दुकान नहीं लगाने देते, बहुत परेशान करते आते बीट वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलोचना है। कहाँ से आई हैं? चांदनी चौक 5 नंबर गेट है। किसे? दुकानी चौक में ही आपकी दुकान? सालों से दुकान लगा रहे पटड़ी पे, लेकिन आते हैं बीट वाले माल फेंक देते हैं, हटा देते हैं, कहते कोर्ट का ऑर्डर है, बहुत परेशान कर रखा है। हम वहीं से हमारी रोटी रोजी चलता है, लेकिन हमारे को बहुत परेशान कर रखा है। इसकी दुकान ये सीजन के हिसाब से कर लेते हैं, कपड़े लेते हैं जैसे जराब, सीजन के हिसाब से करते हैं, बहुत परेशान कर रखा है हम लोगों। क्या कह के आपकी लोगों की दुकानें हटा दी जाती है? हाँ, हटाई जाती है, कमेटी वाले आते हैं माल ले जाते हैं, 3 महीने से बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ। भाई, आपने गुहार लगाई, आपके पास पेपर कागज ये सब दिखाए? सब कुछ दिखाया, नहीं मानते हैं, कहते कोर्ट में जाओ, मानते ही नहीं है, बहुत परेशान कर रखे हैं हमको। उनसे आप लोगों ने पूछा कि आप लोगों के पास कोई ऑर्डर है? कुछ भी नहीं पूछते, कहते कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ, सब जगह कोई पेपर की तो सुनाई नहीं करते हैं, बहुत परेशान आते बीट वाले माल फेंक देते हैं, ड्यूटी लेते हैं वो ड्यूटी, और उसके बाद भी परेशान करते हैं, पर वो कहते हैं कहो हमारी नौकरी की वो नौकरी बचाओ, तो ड्यूटी क्यों लेते हैं उसके बाद में। मतलब ड्यूटी क्या लेते हैं? ड्यूटी है 200, 250, 300 पैसे लेते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, पैसा वसूली करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उसके बाद भी आप लोगों की दुकानें हटा? हाँ जी, आज नहीं कल नहीं, और दो चार दुकानें लगती है उससे भी ड्यूटी लेते हैं, और उसके बाद मार्केट लगती है उसके बाद में ड्यूटी लेते हैं, फिर भी परेशानी करते हैं, फिर कहते हैं हमारी नौकरी की बात है, नौकरी हमारी बचाओ। नौकरी उनकी क्या, पुलिस वाले की नौकरी ये कहती है कि मतलब रेडी पटरी वालों से पैसा वसूल है, ये तो नहीं, नहीं दुकान मत लगाओ तुम, अगर पैसा वसूलने का हक तो किसी को भी नहीं है। नहीं है, लेकिन करते हैं, मानते हैं वो, पर वो लेते हैं पुलिस वाले, तो वर्दी है, और वर्दी के ऊपर किसको बोले, मार के भी जाते हैं और उसके बाद पैसे भी लेके जाते हैं, मारपीट भी करते हैं, कितने लोगों को मार मार के जाते हैं। ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, पहले तो बिना ऑर्डर के आप लोगों को मतलब हटा दे रहे हैं, फिर मारपीट? हाँ, मारपीट भी करते हैं, अब दुकान लगाते हैं तो मारपीट भी करते हैं, कितने लोगों को मार मार के जाते हैं, बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, और बुढ़े को नहीं छोड़ते, जवान को नहीं छोड़ते हैं, लेडीज को नहीं छोड़ते हैं, इधर उधर कर देते हैं माल को फेंक। और भी लोग हैं, क्या नाम है? मैम, मेरा नाम मुकेश यादव है। यादव जी, कहाँ से आए हैं? मैं चांदनी चौक से आया हूँ। चांदनी चौक में आपकी भी दुकान है? जी, मेन चांदनी चौक जो है नो हॉकिंग जोन हो चुका है पहले, और हम जो है मेन चांदनी चौक अलग है, एक शनि मंदिर है और वहाँ मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन 30 फीट की गली है, वहाँ ना तो बाइक जाती है ना किसी की दुकान है, उसके बाद भी जो है एक दुकानदार कोर्ट में केस डाल रखा है, मैन चांदनी चौक का दुकानदार व्यापार मंडल का, तो उन्होंने केस डाल रखा है, उनके नाम से जो है पुलिस वाले हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। पहले तो कोरोना से हम लोग मरे, लॉकडाउन में मरे, लास्ट में जाके जब फिर अपने आप को मजबूत करते हैं
फिर बार बार परेशानी होती है। अभी लॉकडाउन में वाइफ का सारे जेवर गिरवी रख के फिर मैंने माल वाल लाया था, काम शुरू करा था, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है फिर जीना हराम कर दिया, डेली तंग करते हैं। तंग किया जाए वो ये कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, हम नहीं लगाने देंगे, हमारी नौकरी की सवाल है। हम कहते हैं साहब देखिए, हम तो यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं और ट्रांसफर ले लीजिए। तो वो इसीलिए वहीं रखते हैं कि उनकी भी कमाई वहाँ मोटी होती है, इसीलिए वो वहाँ से वो नहीं जाना चाहते, हमें कहते चले जाओ। हम कहते साहब हम कहाँ जाए, 15 साल से तो हम यही है, नए जगह पे जाएंगे वो भी रहने नहीं देंगे। पेपर कागज है आप? हाँ, सारे पेपर है हमारे पास। कुछ लिखा है आपके पास ऑर्डर वगैरह? ऑर्डर जो है सर्वे हुआ है, अभी सर्वे हुआ है, जो उस सर्वे का पेपर ये रहा हमारे पास, ये सर्वे का है, सड़क विक्रेता सर्वे दिल्ली, ये हमारा नाम, अगर आप गूगल पे भी मारेंगे मेरा नाम तो मेरा नाम आ जाएगा, आधार कार्ड नाम डालते ही। उसके बाद फिर हमारे पास फ़ोन आया, 10,000 लोन के लिए भी फ़ोन आया, ये सारे चलाने हैं हमारे पास, और लोन के लिए फ़ोन आया। जब हमने लोन के लिए कहा कि सर हम लोन कैसे भरेंगे जब हमारी दुकानें नहीं लग रही है, तो उन्होंने कहा MCD वाले अफसर ने कि हमारे को प्रधानमंत्री जी से दबाव मिला हुआ है कि हमें लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है। तो मैंने कहा साहब लोन तो हम ले लेंगे, हम चुकाएंगे कैसे? प्रधानमंत्री की तरफ से दबाव मिला है कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा देना है। जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देना है। तो मैंने कहा साहब हमारी दुकान लग ही नहीं रही है, हम लोन ले लेंगे। कई लोगों को जो लोन मिला है वो उनके रिश्तेदार कहीं बाहर से पैसे भेजते हैं राशन पानी के लिए, वो लोन वाले काट लेते हैं बैंक वाले। तो अगर हम लोन तो ले लेंगे लेकिन चुकाएंगे कैसे, वो सवाल करते हैं, तो कहते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा काम है लोन देना, तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। पुलिस से जब स्वनिधि के तहत जो है लोन देने की बात की गई है विक्रेताओं को कि उनका पहचान पत्र नहीं देखेंगे फिर नहीं लेंगे, बावजूद उसके भी जो है उन्हें 10,000 मिल सकता है। मगर इस तरीके की आप बात बता रहे कि प्रधानमंत्री जी दबाव बना रहे हैं कि लोन दिया जाए ज्यादा से ज्यादा। जी जी जी, हमारे पास MCD ऑफिस में यही कहा गया कि हमारे को ऊपर से दबाव है। मैंने कहा साहब आपने सारे बैंक वाले को यहाँ बुला लिया, आप पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते जो हमारा दुकान हटाते हैं वो पूरे दिन, कह रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, वो कोर्ट का ऑर्डर है। पुलिस कहते हैं कि MCD से लिखवा के लाओ, MCD कहते हैं हम लिख के नहीं देंगे, हमने सर्वे कर दिया, हमने सर्टिफिकेट दे दिया। अब हमारे पास 2 बेटी है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचाएंगे कैसे बेटी पढ़ाएंगे बताइए। किस तरीके से अभी गुजर बसर चल रहा है? हम जो है अभी तो हम 2 महीने से पिताजी हॉस्पिटल में हैं, तो जैसे तैसे चला रहे हैं, कुछ लोगों से लिया और वाइफ कुछ जमा कर रखी थी उससे चलाएं। अभी 5 दिन पहले जो है हम सारे परिवार आ गए, पहले तो हम दोनों भाई आए दुकान लगाने, तो पुलिस ने हमारे को दोनों को बंद कर दिया, बोला 7 क्या बने बंद कर देंगे। मैंने कहा ठीक है साहब बंद कर दीजिए। तो फिर उसके बाद किस एक्ट के तहत आप 7-51 होता झगड़ा लड़ाई खून खनोवल, ये माल भी फेंक दिया, सारे वीडियो भी हमारे पास है। अगले दिन फिर हम पूरे फैमिली को लेके आ गए, फिर जो है माल फेंक दिया, उनको पता नहीं कि हमारे वाइफ बच्चे भी आए। हम थाना में जाके बैठ गए, रात भर 11 बजे रात तक बैठे रहे। उसके बाद जो थक हार के पुलिस वालों ने हमें जगह दे दिया हमारे लिए कि हम तुम्हारे लगवा देते हैं और वहाँ नहीं लगने देंगे, दूसरे जगह लगवा देते हैं। मैंने कहा साहब जहाँ हम 15-17 साल से लगाते हुए आ रहे हैं हमें वहाँ लगवाइए ना। एक तो रोजगार की इतनी देश में मार पड़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जैसे तैसे रेडी पटरी वाले अपना काम चला रहे हैं, तो आकर के पुलिस वाले आपको इस तरीके। जी जी, पहले तो लॉकडाउन से परेशान हुआ, उसके बाद हम तो किस सरकार से कुछ मांगते ही नहीं है, नहीं हमें बिजली फ्री है, नहीं पानी फ्री है, नहीं शिक्षा हमें बच्चों को मिल रहा है सरकारी स्कूल में, कुछ भी नहीं ले रहे हम दिल्ली सरकार से या प्रधानमंत्री जी से, कुछ सुविधा नहीं ले रहे सरकारी, सिर्फ यही तो मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। कि पकौड़े बेचना भी रोजगार है, तो हम अपना छोटा सा एक 2x3 का एक छोटा सामान रोज रख के बेचते हैं और ले जाते हैं, तब भी उनको 200 रुपया देना पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो माल उठा के फेंक देंगे, कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे। पुलिस की इतनी बदमाशी और गुंडागर्दी है, ये हमारे देश के रक्षक है ना कि भक्षक, लेकिन ये मारने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, कैसे मारते हैं? हम ये बोलते हैं कि भाई मारने का अधिकार नहीं है, तो कहता है तू वकील है क्या, तू ये है क्या, जा जहाँ जाना जा, तो हम कहाँ जाएं बताओ। इस लहजे में वो लोग बात नेता से अप्रोच है करते हैं, मैम बहुत गाली गलौज करते हैं। हमसे बोला कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैंने कहा साहब एक काम कीजिए आप, हाई कोर्ट का ऑर्डर है ना, हमें बंद कर दीजिए। दिखाया आपको हाई कोर्ट? नहीं कुछ नहीं दिखाते हैं, कहते वकील है क्या, तो बहुत बड़ा वकील है, बिहार से आके वकील बन गया ये जो है। फिर हम कहते हैं कि एक काम करो, हमें पूरे फैमिली को आप हाई कोर्ट में पेश कर दीजिए, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर पेश कीजिए हम हाई कोर्ट को जवाब तो देंगे ना, हमारे रोजगार नहीं मिल रहा, हम तो किसी से कुछ मांग ही नहीं रहे, ना तो हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वहाँ पे हमने सर्वे करा, 1,000 लोगों ने हमारे पक्ष में बोला कि तुम कमाओ खाओ, तुम लोग रहते हो तो हमें सस्ता सामान मिल जाता है, चोर नहीं आता है,
छीना झपटी से हम बचाते हैं। हम समाज भी हैं यहाँ पे, पूछते भाई बाजार कहाँ गया, हम लोग कहते बाजार गया, हट गया है अभी तक, तीन चार महीने हो गए, खून मतलब 10 किस्तें मैंने भर दिए हैं, 2 बाकी लोन और उसमें ब्याज लग के 2,500 रुपये हो गए हमारे बैंक में, 800 रुपये महीने कटता है, तो इसमें 2 महीने के मैंने नहीं जमा करे हैं, उसके ब्याज मिला के 2,500 रुपये हो गए हैं, अब तो माल लग नहीं रहा है और कहाँ से हम लोन देंगे उसको, और 3-4 महीने हम लोग का बैठे बैठे वहाँ पे। पहले आपको लोन दिया जाता है, फिर आपकी दुकानें तोड़ दी। आज पूरे 10 महीने का लोन तो मैंने दे दिए, 2 महीने का लोन नहीं दिए हमने, और पूरा ब्याज कट के 2,500 रुपये 2,600 रुपये हो गए टोटल, अभी कहाँ से भरेंगे, बार मैसेज आ रहा है, बैंक वाला फोन आ रहा है, सिविल हमारा खराब हो जाएगा, सिविल खराब हो जाएगा, अगली बार फिर लोन ही नहीं मिलेगा, वो चाहते कि एक बार दे के इनको लोन ही बंद करवा दो। पहले तोहफा देते हैं फिर उससे ही उसी से ही आपको मार। बिल्कुल बिल्कुल, जब काम ही नहीं है तो हम लोन वापस, हमें काम दे दो, हमें लोन मत दो, हमें अपनी जगह पे काम करने दो, जो हमारी मेहनत भी नहीं है, हम कोई पक्का नहीं करते, हम सुबह आते हैं लगा के शाम को लेके चले जाते हैं, हम पापा पैसा मांगा ले आते पैसे कट जाते हैं। संदीप कुमार जायसवाल की भी जो दुकान है, हाँ सेम चांदनी चौक में ही, शनि मंदिर पे ही है, 15-16 साल से ही लगा इसकी दुकान, मेरे अंडर बनियान के काम है जेंट्स का, आपकी भी दुकान जो है 2-3 बार नहीं है, बहुत बार अड़ियों में लग रहा है, वाटर में इसमें तो बिल्कुल ही साफ है, इस बार आपको ऐसा लग रहा है साफ है, मगर अभी तो यहाँ आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तो कह रहे हैं कब हो जाए तो अच्छी बात है, इसलिए तो आ रहे भाग दौड़ कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो हम लोग का कब तक बड़े बच्चे, तो हमारे गांव में 2 साल से स्कूल भी नहीं गए, 1-10 साल की बेटी अभी स्कूल नहीं जा रही, 2 साल से गांव में ही पड़ी हुई है, अब बेटा 5 साल उसका भी एडमिशन कराना, अभी कहां से कराएंगे, अभी पैसे वगैरह है नहीं, कहां से कराएंगे अभी। चलिए आपने देखा किस तरीके से रोजगार की मार पड़ी हुई है, उसी पर इस तरीके से जो रेड़ी पटरी लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं, उन्हीं के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है, पहले कोरोना का डर फैलाया जाता है, फिर कोरोना के लिए और लॉकडाउन लगा दिया जाता है, फिर उनके रोजगार बंद कर दिए जाते हैं, जब वो छोटा मोटा रोजगार करने लगते हैं, अपना जो अपना खान पान का थोड़ा सा घर गुजारे भत्ते के लिए अपना रोजगार चलाने लगते हैं, पटरी पे आ जाता है, तो उसके बाद जो है उनकी दुकानें उजाड़ दी जाती है, वो भी बिना किसी ऑर्डर के, फिर इनके ऊपर दोहरी मार पड़ती है, मार पिटाई की जाती है और पैसा तक वसूला जाता है, तो देखिए किस तरीके से बैठी सरकारें इनके ऊपर अपना रौब जमा रही है, किस तरीके से इनके साथ दोहरी नीति चल रही है, किस तरीके से इनके साथ हो रहा है आप सामने ही देख रहे हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, नई दिल्ली, जंतर मंतर।